हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस जे पी, वेलकम इन क्लास 10th एस एस टी एंड आई एम गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ एस एस टी हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चिल्ड्रेन, इन दिस वन माई टॉपिक इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इन दिस पोर्शन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन the ideas of La Patrie, Le Citoyen and the contribution of French army for the increment of nationalism in Europe. Children, along with this I will try to describe the Napoleonic Code, Civil Code of 1804, and after that how Napoleon lost the Battle of Leipzig and he had to lose all his territories. After that I will try to explain the making of nationalism in Europe. Children, in this portion I will try to explain how did nationalism and the idea of the nation state emerge. Next topic is the aristocracy and the new middle class. After that I will try to describe what did liberal nationalism stand for and describe suffrage. What is suffrage? The right to vote. Later on I will try to draw pictures on a new conservatism after 1815. Along with this, how conservative regime set up in 1815 and it was challenging for Giuseppe Mazzini, the revolutionaries who wanted to become a revolutionary leader and wanted to remove conservative principles and wanted to develop nationalism in Europe. Vienna Congress was hosted, and along with that Giuseppe Mazzini who maintained. Hello students, welcome to class 10th SST. I'm going to explain the very first chapter of history. My topic is the French Revolution and the idea of the nation. Children, the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. ये जो nationalism का सबसे clear साफ सुथरा जो है प्रदर्शन कब आया? French Revolution के बाद, जो कि 1789 में हुआ. And जैसा कि आपको याद होगा, as you remember, it was a full fledged territorial state in 1789. France 1789 में एक full fledged state था, एक country थी जिसमें एक absolute monarchy system का rule था. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. यानी वहाँ की राजनीति में, वहाँ के constitution में जो बदलाव आया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आरंभ में ही आया. और इसने क्या किया, जो फ्रांस की पूरी जो है पावर थी वो मोनार्ची से ट्रांसफ़र होकर के फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में चली गई. द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज़ द पीपल हु वुड हैंस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. इस रेवोल्यूशन ने इस बात की घोषणा की कि केवल जनता ही, इस बात का दावा किया कि केवल जनता ही ऐसा कर सकती है जो कि एक नेशन स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकती है और अपने भाग्य को जो है स्वयं निर्धारित कर सकती है अगर उनमें यूनिटी हो, यानी वो अपने आप को शेप कर सकती है. सो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एकदम आरंभ से ही द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल. प्रारंभ से ही फ्रांस के जितने क्रांतिकारी थे उन्होंने कई ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे जो है स्टैंडर्ड उन्होंने शुरू किए और ऐसे ऐसे उन्होंने जो है प्रैक्टिसेस स्टार्ट किए, ऐसी ऐसी प्रथा चलाई जिसने लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना की, एकता में संगठन में शक्ति होती है, उन्होंने एक संगठन की भावना से उन्होंने सोचा कि संगठन में रह करके हम अपने आप को शो कर सकते हैं कि हम जो है एक स्ट्रॉन्ग नेशन है. एंड उसने, वहाँ के फ्रेंच पीपल ने अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी का प्रदर्शन किया. उन्होंने देखा कि अगर हम एक साथ मिल करके किसी भी क्षेत्र में बढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर हम सफलता पा सकते हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी मोनार्ची को ख़त्म कर सकते हैं.
द आइडियाज ऑफ ली पैट्री. द आइडियाज ऑफ ली पैट्री मीन्स द फादरलैंड. आइडिया ऑफ ली पैट्री मीन्स द फादरलैंड एंड ली सिटोयन द सिटीजन. Emphasize the notion of united community enjoying equal rights under a constitution. लोगों के अंदर जो एक आइडिया दिया गया ला पैट्री का कि ये आपका फादर लैंड है, ये आपकी पैतृक संपत्ति है, ये आपके फोर फादर्स के दिया हुआ जगह है. ली सिटोयन आप यहाँ के सिटीजन हैं, यहाँ के नागरिक हैं. Emphasize the notion of united community. इसने जो है एक संगठित समुदाय कम्युनिटी का जो है एक नारा मतलब एक भावना प्रेरित किया. एंड इट एंजॉयड इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. और इस तरीके से उन्होंने संविधान के जरिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए एक इक्वल राइट को एंजॉय करना शुरू किया. अ न्यू फ्रेंच फ्लैग एक नया फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर तिरंगा फ्रांस का एक नया फ्लैग बना. वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड. और इस फ्लैग को इसलिए चुना गया ताकि जो शाही ध्वज था, शाही झंडा था, उसको रिप्लेस कर दिया जाए ताकि उसका अस्तित्व ख़त्म हो और एक हमारा नेशनल फ्लैग इस्टेब्लिश हो. द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली. वहाँ एक नेशनल असेंबली बनी जिसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली. और ये जो हमारे स्टेट्स जनरल इलेक्ट हुए, हर स्टेट के जनरल्स इलेक्ट हुए जो कि एक्टिव सिटीजन्स के लोग होते थे. क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था एक्टिव सिटीजन्स जो 25 ईयर से ज़्यादा की एज के होते थे, ऐसे लोग चुनकर, ऐसे ही लोग जिनको वोट देने का राइट्स था वही सब एक्टिव सिटीजन्स थे. उन्होंने एक नेशनल असेंबली फॉर्म की. एंड न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड फ्रांस में एक नया गीत जो है उसकी रचना की गई. ओथ्स टेकन लोगों ने शपथ लिया. एंड मार्टिर्स कमेमोरेटेड जितने भी हमारे शहीद थे उनको नमन किया गया, उनके लिए उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई. ऑल इन द नेम ऑफ नेशन वो भी किस नाम से, एक राष्ट्र के नाम से, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र के लिए इतना कुछ किया. सो अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस. उसकी जगह पे एक केंद्रित जो है प्रशासन का जो एक सिस्टम था, तंत्र था, वो प्लेस किया गया. एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी. और इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने जो है वहाँ पे एक कानून स्थापित किया जो सबके लिए मान्य था, हर सिटीजन्स के लिए उस क्षेत्र में सब पर लागू था. इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ वर एबॉलिश्ड. जो आंतरिक कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, व्यापार में जो कस्टम टैक्स देना पड़ता था, ड्यूज़ देने पड़ते थे, मैनोरियल ड्यूज़ टैक्सेस, टिथीस टैक्स वगैरह, इन सब को ख़त्म कर दिया. एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड. और वेट्स और मेजर्स का एक सामान्य जो है सिस्टम स्थापित कर दिया जो सबके लिए जो है सबके लिए बराबर था. रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. इस तरीके से वहाँ क्षेत्रीय भाषा जो थी उसको ख़त्म किया गया और फ्रेंच भाषा को जो है पूरे फ्रांस में बोलने के लिए कहा गया. और कहा गया कि इसे आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं पेरिस में. एंड इट बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. और ये पूरे फ्रांस का एक कॉमन लैंग्वेज बन गया. द रेवोल्यूशनरी इज़ फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पॉटिज्म. तो जो वहाँ के क्रांतिकारी थे बाद में उन्होंने इस बात की घोषणा की कि ये एक मिशन है, मतलब ये एक जो है एक इनका एक ये योजना है और यही उनका भाग्य भी है. और मतलब जो है उनका जो भाग्य है वो फ्रेंच नेशन के रूप में उनका ये था कि जो है हमारा लक्ष्य यही है कि हम फ्रेंच नेशन बनाएं ताकि लोगों को जो है स्वतंत्र करा सके. और यूरोप में जो डिस्पॉटिज्म थी, मतलब जो मोनार्चीय रूल था, वहाँ जो डिक्टेटरशिप सिस्टम था, इसको ख़त्म करके हम लोगों को स्वतंत्र कर सके.
इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। दूसरे शब्दों में जो रेवोल्यूशनरीज थे वो हेल्प करना चाहते थे फ्रेंच के लोगों को ताकि वो यूरोप के अन्य देशों से अलग हो सकें और एक नेशन बन सके। सो व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। और ये समाचार जब फ्रांस पहुँच जो है कि अलग अलग शहरों में पहुँचा, यूरोप के अन्य शहरों में पहुँचा, तो वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे और जो मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो मेंबर्स थे उन्होंने जैकोबिन क्लब स्थापित करना शुरू कर दिया। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। तो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनके जो कारनामे थे और उनके जो प्रचार प्रसार थे, उनकी जो गतिविधियाँ थी, उसने जो है फ्रेंच आर्मी को जो है हॉलैंड की तरफ मूव करने का फ्रेंच की आर्मी हॉलैंड की तरफ बढ़ी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के हिस्सों में पहुंची 1790s तक विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वार्स। और जब रेवोल्यूशनरी युद्ध का जो है क्रांतिकारी युद्ध का आरंभ हुआ, जब उछड़ा युद्ध, द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। उनके साथ फ्रेंच आर्मी भी जो है विदेश तक जो है नेशनलिज्म की जो आइडिया थी, नेशनलिज्म की जो भावना थी, जो उनकी जो विचार थे वो विदेशों तक पहुंचाया। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो पिक्चर्स बने हुए हैं। दीज टू पिक्चर्स इज द कवर ऑफ अ जर्मन अलमनैक डिज़ाइंड बाय जर्नलिस्ट एंड्रेस रेबनन इन 1798। ये जो है ये है जर्मन अलमनैक का एक कवर है, इसमें इसको जिस डिज़ाइन किया था एंड्रेस रेबनन ने, ये 1798 में। ये इमेज जो है, दिस इमेज इज़ द इमेज ऑफ फ्रेंच बैस्टाइल। ये फ्रांस में जो बैस्टाइल प्रिजन था, जब उसको ध्वस्त किया गया रेवोल्यूशनरीज की भीड़ के द्वारा, हैज़ बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू अ सिमिलर फोर्ट्रेस। इसे जो है उसी के जैसे एक और किला बना हुआ था उसके पास रखा गया है, मीन टू रिप्रेजेंट द बैस्टियन ऑफ डिस्पोटिक रूल इन द जर्मन प्रोविंस ऑफ कैसल। और इस बात को प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से जो है जर्मन प्रोविंस में भी जो है वहाँ इस तरीके से डिस्पोटिक रूल यानी मोनार्की रूल था, रूल चल रहा था। सो अकॉम्पनिंग द इलस्ट्रेशन इज़ द स्लोगन। इस इलस्ट्रेशन के साथ एक स्लोगन है, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। रेबनन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंज एंड वाज अ मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन ग्रुप। कि लोग जो है अपनी आज़ादी को जो है सीज कर चुके हैं, मतलब अपनी आज़ादी को जो है उन्होंने बंधक बना दिया है। उन्होंने कहा कि रेबनन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंज, रेबनन मेंज की सिटी में था एंड वाज अ मेंबर ऑफ अ जर्मन जैकोबिन क्लब, और वो जर्मन जैकोबिन क्लब का मेंबर था तब। उस समय ये एक जर्मन अलमनक है, ये जो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसकी उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पे जो एक जर्मन फोर्ट्रेस में जो है उसके पास इसको रखा गया था। यस स्टूडेंट्स, दिस मैप इंडिकेट्स द मैप ऑफ यूरोप आफ्टर वियना कांग्रेस, मीन्स यूरोप आफ्टर वियना कांग्रेस 1815। वियना में एक वियना कांग्रेस बनी और वहाँ का ये उस समय का यूरोप है जब वियना कांग्रेस होस्ट हुआ उसके बाद का। यहाँ आप देख रहे हैं आइसलैंड डेनमार्क के पास, ये अटलांटिक सी है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, फिर यहाँ आप नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन सभी कंट्रीज़ को आप देख रहे हैं। और इधर ऑटोमन एम्पायर यहाँ नीचे है, इधर मेडिटेरियन सी है, ये अल्जीरिया है, मोरक्को है, स्पेन है, पुर्तगाल है। इन सारी चीज़ों को देख करके हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो है यूरोप की कंडीशन 1815 के बाद कैसी थी और उससे पहले कैसी थी। सो वी विल कम टू द टॉपिक।
and here we will discuss the remaining portion within the wide swath of territory that came under his control. Napoleon set about introducing many of these reforms that he had already introduced in France. बाद में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी और वो बाद में फ्लॉप हो गई, उसके बाद जो है नेपोलियन ने जो है अच्छा मौका देखा एंड ही केम टू फ्रांस. सो उसने अपने उस बड़े टेरिटरी में को कंट्रोल करने के बाद नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस. नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस किया फ्रांस जो है, जो कि उसने अन्य जगहों पर भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था थ्रू अ रिटर्न और टू मोनार्ची. अब फ्रांस फिर से मोनार्ची की तरफ लौट आया. नेपोलियन ने वहाँ एक मोनार्ची स्थापित कर दी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं. डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया. बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट. लेकिन उसके बदले में उसने फ्रांस में क्या किया, एक प्रशासनिक क्षेत्र एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड उसने स्थापित कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया एंड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स उसने एक स्थापित कर दी ताकि जो है पूरा का पूरा वहाँ का जो सिस्टम है वो एक तंत्र में बंध जाए और पूरी तरह से एफिशिएंट हो जाए, मतलब दक्ष हो जाए. द सिविल कोड ऑफ 1804, दिस इज सिविल कोड ऑफ 1804, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट जनरली अपीयर्स इन बोर्ड एग्जाम, यूजली नोन एज द नेपोलियनिक कोड. अक्सर सिविल कोड 1804 को हम क्या कहते हैं, नेपोलियनिक कोड. डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इसमें नेपोलियन ने फ्रांस में जितने भी प्रिविलेज मिले हुए थे, जो जन्म से ही जो है लोगों को लाभ मिले हुए थे, उसको उसने ख़त्म कर दिया. इस सेकंड है इस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, उसने कानून के सामने सबको बराबर लाकर खड़ा कर दिया और उसने वहाँ राइट टू प्रॉपर्टी सुरक्षित कर दी कि हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदने का राइट है या प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट है. दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और उसका ये जो कोड था ये कहाँ एक्सपोर्ट हुआ, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ फ्रेंच कंट्रोल था, फ्रांस का की सत्ता थी. सो इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज. इस तरीके से डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में और जर्मनी में नेपोलियन ने क्या किया, वहाँ जो है प्रशासन को विभाजित कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में डिवीज़न कर दिया और उसने वहाँ जो फ्यूडल सिस्टम था उसका बहिष्कार कर दिया, ख़त्म कर दिया एंड फ्रीड पीजेंट्स और वहाँ के किसानों को सर्फडम और माइनोरियल ड्यूस. सर्फडम मतलब जो बड़े बड़े जमींदार लोग जो उनसे ड्यूज लेते थे, उनसे जो है काम के जो काम करते थे उसका सारा पारिश्रमिक ले लेते थे और उनको थोड़ा सा देते थे. मैनोरियल ड्यूज, लोगों को दफनाने के लिए जो लिए भी ड्यूज लगने लगा था उसको उसने ख़त्म कर दिया. सो इन द टाउन्स, शहरों में टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, जो बड़े बड़े एसोसिएशंस बने थे ट्रेडर्स के, उसी को गिल्ड सिस्टम कहा गया था, ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस उसने हटा दिए ताकि कोई भी आदमी शहर में अब व्यापार कर सकता है. सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पूरी तरह से इम्प्रूव कर दिया गया एंड पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस मैन इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम. और इस तरीके से किसान, काश्तकार,
काम करने वाले लोग, नए नए बिजनेसमैन, उन्हें एक नई आज़ादी का जो है मज़ा मिला, मतलब एक नई आज़ादी का उन्होंने आनंद उठाया। वेल स्टूडेंट्स, इन दिस पोर्शन वी आर वॉचिंग अ पिक्चर दैट इज़ अ फिगर विच इज़ शोइंग द प्लांटिंग ऑफ ट्री लिबर्टी इन ज़ीब्रिचेन, यानी जर्मनी में किस तरीके से उन्होंने आज़ादी का वृक्ष जो है वृक्षारोपण किया। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर फ्रिच, ये जो है इसका जो कलर प्रिंट किया गया है जर्मन पेंटर के द्वारा, जिसका नाम था कार्ल कास्पर फ्रिच, उसका ऑक्यूपेशन था, इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ जर्मनी बाय द फ्रेंच आर्मीज, समय फ्रेंच आर्मीज जो है किस तरीके से जर्मनी के टाउन्स में आकर के अपना काम कर रही थी। फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स, जो फ्रांस के सिपाही थे उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि उनका जो है नीले रंग का, वाइट कलर का और रेड कलर, नीले वाइट और रेड कलर के यूनिफॉर्म में है फ्रेंच सिटीजन्स, ये नीला वाइट एंड रेड इस कलर में यूनिफॉर्म पहने हैं। हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑपरेसर्स एज दे सीज अ पीजेंट्स कार्ट, ये एक तरीके से दमनकारी के रूप में यहाँ पे चित्रित किए गए हैं, किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने एक किसान की गाड़ी को, बैलगाड़ी को छीन लिया है। बाईं तरफ हरास सम यंग वूमेन, कुछ यंग वूमेन को किस तरह से ये परेशान कर रहे हैं, वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं। एंड फोर्स अ पीजेंट, और एक किसान को वो जो है पूरी तरह से बलपूर्वक जो है घुटनों के बल बिठा दिए हैं। द प्लेक बीइंग अफिक्स्ड टू द ट्री ऑफ लिबर्टी, जो उस बैलगाड़ी का जो आगे का हिस्सा था, जो प्लेक पोर्शन था, जो बैलों के कंधे पर रखा जाता था, उसे जो है ट्री ऑफ लिबर्टी के रूप में स्थापित कर दिया गया है। और उसके ऊपर क्या है, एक जर्मन इंस्क्रिप्शन, एक जर्मन की जो है जर्मन कंट्री का जो है एक शिलालेख, विच इन ट्रांसलेशन रेट्स, जिसका ट्रांसलेशन में किस तरह पढ़ा जा सकता है, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, हमसे इक्वालिटी और फ्रीडम ले लो, हमसे जो है आज़ादी और बराबरी की जो हमें दर्जा मिला है उस हमसे ले लो। द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि ह्यूमैनिटी का एक मॉडल है, वो हमसे आप ले लीजिए। दिस इज़ अ सार्कास्टिक रेफरेंस टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच एज बीइंग लिबरेटर्स हु अपोज्ड मोनार्ची इन द टेरिटरीज एज दे एंटर्ड, जब फ्रेंच आर्मी जो है जर्मन टेरिटरी में प्रवेश की थी तब उन्होंने जो है किस तरीके से एक लिबरेटर के रूप में जो है उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, और फ्रांस के लोगों को जो है उन्होंने काफ़ी कुछ जो है जर्मन के लोगों की काफ़ी मदद की। तो ये था एक पिक्चर। तो अभी हम पढ़ रहे थे मीन्स फ्रेंच पीपल इंजॉयड, मीन्स न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड अ न्यू फ्रीडम, जो हमारे न्यू बिजनेसमैन थे उन्होंने एक न्यू फ्रीडम को इंजॉय किया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ लेसन फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरीके से यूरोप में एक नेशनलिज्म जो है स्थापित हो चुका था। चिल्ड्रन, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। अगर आप यूरोप का मैप मिड 18th सेंचुरी का आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि उस समय कोई भी कंट्री नेशन स्टेट नहीं बना था, जैसा कि आज बन चुके हैं बहुत सारे कंट्रीज। सो व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, जिसे आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, इटली के नाम से जानते हैं, स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, वो उस समय मिड 18th सेंचुरी में
ये क्या थे, छोटे छोटे किंगडम्स में, छोटे छोटे डचीज़ में, ड्यूक्स के रूप में, छोटे छोटे कैंटॉन्स में ये बटे हुए थे, जिनके अलग अलग रूलर्स थे, उनके अपने अपने रूल करने वाले रूलर्स थे। हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज, इनका अलग अलग जो है टेरिटरी था जो कि एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। जो है ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, यूरोप का ईस्टर्न पूर्वी क्षेत्र और मिडिल का जो क्षेत्र था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज वहाँ थे, राजशाही सिस्टम था जिसमें बहुत अलग अलग तरह के लोग, विविध प्रकार के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी themselves as sharing a collective identity or a common nature। वो कभी भी जो है collective identity की feeling तो share ही नहीं करना चाहते थे, सब एक दूसरे से हमेशा विरोधाभास में रहते थे, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, उनमें कोई common culture नहीं था। हर क्षेत्र के लोगों का अलग अलग culture था जिसकी वजह से अक्सर उनमें तनाव बना रहता था। Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups। अक्सर वो जो है अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग जो है कम्युनिटी में जो है बधे हुए थे, बटे हुए थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria Hungary for example was patchwork of many different regions and peoples। जो Habsburg Empire था it ruled over Austrian Hungary, यहाँ पे ऑस्ट्रियन हंगरी के ऊपर हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। हैब्सबर्ग एक जो है वहाँ साम्राज्य था, वहाँ ऑस्ट्रिया और हंगरी पर इनका शासन था। फॉर एग्जांपल वाज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। ये जो है छोटे छोटे जो है क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोगों के रूल के रूप में ये बटा हुआ था। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, इनमें जो है आल्प्स पर्वत जो है यूरोप वहाँ पर वो अल्पाइन रीजन्स में जैसे टायरॉल, ऑस्ट्रिया एंड सडेंटन लैंड एज वेल एज बोहमिया वेयर द अरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। तो जो अल्पाइन क्षेत्र था जैसे टायरॉल है, ऑस्ट्रिया है, सडेंटन लैंड है, इसके अलावा बोहमिया, हर जगह जो है राजशाही था जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग रूलर्स थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेज ऑफ लोमांडी एंड वेनेटिया, और इसमें इटालियन स्पीकिंग जो क्षेत्र थे जहाँ पे इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी, और लोमांडी और वेनेटिया क्षेत्र था, ये सब इसी में मिले हुए थे। सो इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियार वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलैक्ट्स। तो हंगरी में आधी वहाँ की जो जनसंख्या थी वो मैगियार भाषा थी उसको बोलती थी, और आधे लोग जो है वहाँ की स्थानीय बोली बोलते थे। इस तरीके से इन गैलिसिया, जो गैलिसिया है वहाँ पे क्या था, द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, वहाँ जो राजशाही थी वो पोलैंड की भाषा पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट कपल्स। तो क्या था कि जो है इतने जो है अपने आप को जो है प्रभावशाली ग्रुप, तीन प्रभावशाली ग्रुप थे, ठीक है, उनके बीच में क्या था, उनके अलावा देयर लिव्ड ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, उस एम्पायर की बाउंड्री के अंदर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स, कुछ किसान लोग भी रहते थे। बोहमिया एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, और वो किसान कहाँ के थे, बोहमिया के और स्लोवाक्स के थे क्योंकि उसके उत्तरी क्षेत्र में था। स्लोवेंस इन कार्नियोला, एक कार्नियोला में स्लोवेंस था वहाँ के किसान। क्रोएट्स टू द साउथ, और साउथ में क्रोएट्स, एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन टेंसिल्वेनिया, और टेंसिल्वेनिया जो कि मतलब जो है टेंसिल्वेनिया में जो है ईस्ट में रोमन्स था। तो ये सब जो है क्षेत्र पूरी तरह से डोमिनेंट थे मोनार्ची रूल की तरह। सच डिफरेंस डिड नॉट ईजिली प्रमोट सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, और इस तरह का जो उनमें भेदभाव था
इसकी वजह से उनमें कभी भी राजनीतिक एकता स्थापित ही नहीं हो पाई। एंड द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टूगेदर वॉज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर, और इनके बीच में जो है एक ही बंधन था और वो था बदले की भावना, एक दूसरे पर जो है युद्ध करना। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है कि किस तरीके से आखिर पूरे यूरोप में नेशन स्टेट का जो आइडिया था, नेशनलिज्म का जो आइडिया था, कैसे उभर कर आया और कैसे वहाँ पे नेशन स्टेट इस्टेब्लिश हुआ। सो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक, द अरिस्टोक्रेटिक अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। किस तरीके से वहाँ पे राजशाही और एक न्यू मिडिल क्लास सामने आया और उसकी वजह से वहाँ नेशनलिज्म की भावना प्रेरित हुई और आइडिया ऑफ नेशन स्टेट उभर कर आया। सो इन दिस कॉलम वी विल डिस्कस सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। अगर सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, मतलब जो है ज़मीन पर अधिकार करने वाली राजशाही, मतलब वहाँ के लैंड को आप उपाय करते थे, वो पूरी तरह से प्रभावशाली वर्ग थे और इस उस पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाई कॉमन वे ऑफ लाइफ। इस महाद्वीप के जो मेंबर्स थे, मतलब इस वर्ग के, ये एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से जो है जुड़े हुए थे एक दूसरे से, दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, और जो उनके अंदर जो था इसी की वजह से वो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित थे और फिर भी जो है एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते थे। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। ऐसे बहुत सारे लोग जो थे, डोमिनेंट क्लासेस जो थी, उनका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है उनका खेत बाड़ी था और शहरों में उनके घर भी थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। वो जो है हाई सोसाइटी शो करने के लिए, अपनी जो है डिप्लोमेसी, कूटनीति के लिए जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। उनके जो परिवार थे विवाह के बंधन में बंधे थे। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन इस तरह की जो शक्तिशाली राजशाही थी वो कुछ ही संख्या में थी। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। वहाँ की जो बड़ी जनसंख्या थी वो किसानों से बनी हुई थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाई टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज करेक्टराइज्ड बाई वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाई सर्व्स। तो जो पश्चिमी क्षेत्र था उसका जो विशाल भूखंड था, विशाल जो है वहाँ की जो ज़मीन थी, वो जो है वहाँ लोग जो है किराए पे ले करके वहाँ खेती करते थे, उनमें स्मॉल ओनर्स भी थे कुछ। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, मतलब पूर्वी और मध्य यूरोप में, वहाँ जो लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न था, मतलब लोगों की जो ज़मीनें थी, वाज करेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स। उसकी खासियत क्या थी, वो विश्व बड़े बड़े जो है पीस ऑफ लैंड में थे और इन पर कौन खेती बाड़ी करता था, सर्फ। जब सर्फडम सिस्टम था, सर्फ जो होते थे देवर वर्कर्स टू वर्क ऑन दी फील्ड। सो दे हैड टू वर्क ऑन द फील्ड एंड इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस whose existence was based on production for the market। यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट था और जो सेंट्रल यूरोप था, ये पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से बधा हुआ था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, उनका प्रोडक्शन होता था एंड दे वर मेड एंड ट्रेड मींट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। और वहाँ जो व्यापार था, इसका मतलब क्या था कि वहाँ पे शहर बन गए एंड कॉमर्शियल क्लासेस जो कॉमर्शियल क्षेत्र से जुड़े हुए थे व्यापारियों से, हुज़ एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। और उनका जो अस्तित्व था
वो हम मार्केट में जो प्रोडक्शन है उस पर आधारित था, अक्सर प्रोडक्शन सीजनल होते थे। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century। तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ वो जो है 18th century के दूसरे हाफ में। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th century। लेकिन क्या था, जो है जो फ्रांस का क्षेत्र था और जर्मनी के जो राज्य थे वो क्या थे, वहाँ पे 19th century में ही जो है ऐसा हो पाया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। इसलिए इसके शुरुआत में एक नया सोशल ग्रुप जो है सामने आया, उसका नाम था अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, एक ऐसी जनसंख्या यूरोप की जो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग थे, वर्कर्स। एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। और जो वहाँ मिडिल क्लास था वो जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, प्रोफेशनल जैसे वकील, डॉक्टर, ये सब प्रोफेशनल्स हुए, तो इन सब से मिल करके मिडिल क्लास बना था। सो इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। इस तरीके से सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो हमारे वर्किंग क्लास थे और मिडिल क्लास के लोग थे वो बहुत कम संख्या में थे 19th century तक। इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेज दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंड पॉपुलरिटी। तो हमारे नेशनलिज्म के लिए और नेशन स्टेट के लिए कौन जिम्मेदार था, वहाँ के शिक्षित वर्ग के लोग, एजुकेटेड पीपल्स, लिबरल मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के लोग जो स्वतंत्र रहते थे। दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, उन्होंने जिन्होंने नेशनल यूनिटी की आइडिया उनके अंदर थी, इन्होंने ये जो है, और इन्होंने अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज जो वहाँ पे राजशाही लोगों को, मतलब जो वहाँ के राजा के जो लोग होते थे उनको जो लाभ मिलता था, ठीक है, उसको ख़त्म किया, और इससे वहाँ पे नेशनलिज्म और नेशन स्टेट काफ़ी पॉपुलर हुआ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी लिबरल नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं, ये किससे संबंधित है, इसका क्या मतलब है। सो वी विल सी हियर आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century। यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था लोगों के अंदर, राष्ट्रीय एकता, ये जो है 19th century में यूरोप में बहुत अच्छी तरीके से एक आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म की एक आइडियोलॉजी के रूप में जो है लोगों से मतलब लिप्त हुआ, मतलब लोगों से बधा, लोगों के अंदर ये भावना आई। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लीबर। तो ये जो लिबरलिज्म शब्द है ये लीबर शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ बिफोर द लॉ। तो जो न्यू मिडिल क्लास थे उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था, वो लिबरलिज्म से क्या समझते थे, उनका मतलब ये था कि ये फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की आज़ादी ही हमारा लिबरलिज्म है, एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। तो ये दोनों बातें जो थी इसको वो जो है मिडिल क्लास के लोग थे, जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, इसी को वो लिबरलिज्म समझते थे। पॉलिटिकली इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। और राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, एक ऐसी सरकार का कॉन्सेप्ट था जो स्वेच्छा से चलाई जा सके, हमारी रजामंदी से चले। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो जबकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके हिसाब से लिबरलिज्म हमारा किस बात को प्रदर्शित करता था, वहाँ ही लिबरलिज्म का मतलब एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, राजशाही का अंत ही लिबरलिज्म था, एंड क्लरिकल प्रिविलेज, और जिनको जो है विशेष लाभ दिया जाता था उसका अंत, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट,
और एक ऐसा संविधान और एक ऐसी सरकार जिसका एक पार्लियामेंट हो जिसमें रिप्रेजेंटेटिव लोग इलेक्ट होकर आए, इसको उन्होंने नेशनलिज्म कहा। सो 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसलिए 19वीं शताब्दी में जो लिबरल्स थे उन्होंने किस चीज़ पर दबाव दिया, इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सही नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी ठीक नहीं है। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। फिर भी जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने सब बराबर हैं, ये नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, तो ये पूरी तरीके से किस चीज़ पर आधारित थी कि जो है हर किसी को राइट टू वोट भी मिले, वोट देने का भी अधिकार मिले, इसी को यूनिवर्सल सफरेज कहा गया। यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ से उनका मतलब ये था कि अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ कह रहे हैं तो हर व्यक्ति को वोट देने का भी अधिकार मिले, जैसा कि और कंट्रीज़ में नहीं था। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, अगर आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहे थे, विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबर्टी लिबरल डेमोक्रेसी द राइट टू वोट। तो वहाँ सबसे पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट क्या था कि लिबरल डेमोक्रेसी तभी लिबरल हो सकती है, हमारी डेमोक्रेसी तभी जो है लिबरल हो सकती है, तभी हमारी डेमोक्रेसी जो है उधार हो सकती है, अगर सबको राइट टू वोट मिले, वोट देने का अधिकार मिले। एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, जबकि और जो है जो भी लोग इलेक्ट होते थे तो उनमें पहले क्या होता था कि जो पहले जो है उन्हीं व्यक्ति वही व्यक्ति वोट दे सकता था जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन वो इनका लिबरल का मतलब था कि अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए और हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिले। सो मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। फ्रांस में क्या था, जिन व्यक्तियों के पास क्या था, प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, अपना जो है धन दौलत नहीं था, तो ऐसे लोग और जो वहाँ की महिलाएं थीं उनको जो है पॉलिटिकल राइट से बाहर कर दिया गया था, वो राइट टू वोट नहीं था उनके पास। सो ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल्स इंजॉय सफरेज। इस तरह से जब जैकोबिन क्लब का रूल आया, जिस समय मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर जो कि जैकोबिन क्लब का हेड था, उसने जब कुछ समय तक रूल किया, तब उसने जो है ये सफरेज जो था, जो राइट टू वोट था, उसका इंजॉय हर किसी ने किया, हर एडल्ट मेल्स ने जो 18 ईयर से अबव था। सो हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। जबकि नेपोलियनिक कोड में जो है क्या हुआ, इट वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, उसने भी जो है राइट टू वोट को लिमिटेड कर दिया था, सीमित कर दिया था, और जो है किसी परिवार में जो है वुमेन को का स्टेटस उसने क्या किया, उसको माइनर कर दिया, मतलब कि वुमेन को जो है उसने तुच्छ घोषित कर दिया, और जो राइट टू वोट था अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स को दे दिया, केवल घर में जो फादर्स हैं और जो हस्बैंड्स हैं उन्हीं को राइट टू वोट दिया नेपोलियन ने। सो थ्रू आउट इन दी 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज वुमेन एंड नॉन प्रोप्राइटेड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन। इस तरीके से क्या हुआ कि थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी में और शुरुआत के 20वीं शताब्दी में जो वुमेन थी और नॉन प्रोप्राइटेड मैन थे, उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उन्होंने एक अपोजिशन मूवमेंट चलाया, एक उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने क्या डिमांड किया, दे डिमांडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उन्होंने समान बराबर राजनीतिक अधिकार की मांग की, उन्होंने कहा हर किसी को वोट देने का राइट मिलना चाहिए। सो इन द इकोनॉमिक स्फीयर, इस तरीके से अर्थव्यवस्था आर्थिक क्षेत्र के आधार पे लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। इकोनॉमिक्स के आधार पे लिबरलिज्म किस चीज़ को कहता है, किस चीज़ को बताता है कि मार्केट की आज़ादी, मार्केट में हमें फ्रीडम मिले, एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल,
और जो है हर राज्य को, हर देश में जो है जो प्रतिबंध है व्यापार के लिए, और हमारे गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल का जो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, जो उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसकी समाप्ति को उन्होंने लिबरलिज्म कहा। मतलब कि जो है स्टेट्स ने जो मतलब जो है प्रतिबंध लगा रखे थे गुड्स एंड सर्विसेज पर, कैपिटल्स पे, उसको ख़त्म करना ही इकोनॉमिक क्षेत्र में लोगों ने लिबरलिज्म कहा। सो ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। और इस तरीके से 19th century में ये एक मिडिल क्लास की तरफ से एक बहुत बड़ी मांग थी, राइट टू वोट, मतलब लिबरलिज्म। लोग चाहते थे कि कम टैक्स लगे, कम ड्यूज देना पड़े। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जर्मन स्पीकिंग क्षेत्र में, जो कि 19th century के फर्स्ट हाफ में का उदाहरण है। इसमें नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जो नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स था, इसने क्या क्रिएट किया था। इस तरह से नेपोलियन का जो मेजर्स था, उसने जो है बहुत सारे ऐसे कॉमन स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज जो है स्थापित कर दी, जो जर्मनी में जो 39 स्टेट्स थे उनके लिए कॉमन हो गया। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी। जर्मनी में जो 39 स्टेट्स थी, सबकी अपनी अपनी करेंसी थी, सबका अपना अपना जो है एक करेंसी था, पेपर करेंसी या क्वाइंस। एंड वेट्स एंड मेजर्स, उनका जो है मापने का जो नाप तौल का जो बाट वगैरह था या स्केल था, सबका अलग अलग था। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैमबर्ग टू नरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। यानी 1833 में जो मर्चेंट्स होते थे, जब वो हैमबर्ग से नरेमबर्ग अपना सामान बेचने जाते थे, तो उनको जो है 11 कस्टम बैरियर को पास करना पड़ता था। 11 जगह उनको जो है कस्टम ड्यूटी टैक्स देना पड़ता था, और जो ये कस्टम ड्यूटी था वो 5% हर जगह, यानी वहाँ भी 5%, वहाँ भी 5%, वहाँ भी 5%, वहाँ भी 5%, ऐसे 11 जगह उनको 5% जो है ड्यूटी टैक्स देना पड़ता था। तो ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और वहाँ का जो ड्यूटी टैक्स लगता था, ड्यूटी कस्टम ड्यूटी लगती थी, वो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग वेट और मेजरमेंट्स था। कहीं पे 1 किलो के बाट का वज़न ज़्यादा था, कहीं पे कम था, कहीं का 1 मीटर का स्केल ज़्यादा था, कहीं का कम था। तो एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, अब हर क्षेत्र का अपना अपना मापने का जो है, वज़न नापने का और लंबाई नापने का और सब चीज़ का तरीका था। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, अब इससे उसका कैलकुलेशन करने में बहुत समय लगता था। उस वहाँ की करेंसी को यहाँ वहाँ के इस मेज़रमेंट को यहाँ के मेज़रमेंट में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता था। एंड द मेजर्स ऑफ क्लॉथ, जैसे कपड़े का जो अगर हम माप तौल लें, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाज द एली, तो विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट, तो नापने के लिए जो वहाँ का स्केल था उसका नाम था एली। ठीक है, एक जो है ये क्या था, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ, अब उसका जो लंबाई था हर क्षेत्र में अलग अलग था। एन एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 centimeter और क्लॉथ, तो एक एली जो था कपड़े की लंबाई, वो 54.7 centimeter थी, और मेंज में वही 55.1 centimeter मानी जाती थी, और नरेमबर्ग में 65.6 centimeter मानी जाती थी, और फ्रीबर्ग में 53.5 centimeter। यानी हर जगह नाप उसका जो माप है वही कपड़ा, वो जो है 1 मीटर, एक एली, वो 54.7 के बराबर वहाँ पे मेंज में इतना, नरेमबर्ग में इतना, और फ्रीबर्ग में इतना था।
तो सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टैकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कॉमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी फॉलोइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। तो ये जो स्थिति बनी हुई थी इससे लोगों को काफ़ी बाधा महसूस होता था इकोनॉमिक एक्सचेंज करते समय, यहाँ यहाँ के मेज़रमेंट को उस मेज़रमेंट में कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत होती थी। इसकी वजह से उनके जो कॉमर्शियल क्लासेस के लोग थे उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। उनका अक्सर तर्क यही रहता था कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बने, यानी पूरे यूरोप में जो है एक जैसा नाप तौल का तरीका हो, एंड ताकि उनका जो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट है उसमें बाधा ना आए और वहाँ के पीपल एंड जो कैपिटल है वो सब जो है आराम से अपना बिजनेस करें। सो इन 1834 अ कस्टम यूनियन और ज़ालुवेरिन वाज फॉर्मड एट इनिशिएटिव ऑफ प्रसिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। इसलिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बना जिसका नाम रखा गया ज़ालुवेरिन। तो व्हाट इज़ ज़ालुवेरिन? ज़ालुवेरिन वाज अ कस्टम यूनियन इन 1834 टू सॉल्व द डिस्पैरिटीज और द प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टैकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। सो इट वाज फॉर्मड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रसिया। ये प्रसिया के ने जो है इसमें जो है हस्तक्षेप किया, उसके उसने प्रारंभ किया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स और इससे बहुत सारे जर्मन स्टेट्स जुड़ गए। एंड द यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 32 और ये जो ट्रेड यूनियन बना ज़ालुवेरिन, इसने क्या किया, जो ढेर सारी करेंसी थी जर्मनी में उसको जो 39 करेंसी थी उनमें 30 करेंसीज को जो है 2 करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। सो द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी ऑफ हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इस तरीके से क्या था कि जो रेलवे का नेटवर्क था इसकी वजह से जो है वहाँ लोगों के आवागमन जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया, मतलब उसमें एक उस संवेदना उत्पन्न हो गई, लोग काफ़ी संवेदनशील हो गए। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन और इस तरीके से जो है उनका क्या था, नेशनल यूनिफिकेशन की तरफ उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी क्योंकि इन सब चीज़ों से उनकी उनका बिजनेस काफ़ी बढ़िया मूवमेंट करने लगा। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड और इस तरीके से एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म की एक लहर जो है वो काफ़ी मजबूत होकर के बहने लगी। एंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम और लोगों के अंदर क्या हुआ, एक राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर उस समय बढ़ने लगी, उसकी वृद्धि होने लगी। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 इन दिस पोर्शन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाई अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जब नेपोलियन 1815 में हार गया तो यूरोप की जो गवर्नमेंट्स थी उनके अंदर एक कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, एक कंजर्वेटिज्म की भावना, एक उसकी जो है एक विचारधारा उनके अंदर घर कर गई। वट इज़ कंजर्वेटिज्म? अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेटिज्म इज़ अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक राजनीतिक जो है विचारधारा थी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जिसने जो वहाँ के जो पहले रीत रिवाज थे उसको महत्व देने पर बल दिया, स्ट्रेस किया कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जो ट्रेडिशंस हैं। इस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स, जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए गए, जो कस्टम्स स्थापित किए उसको उन्होंने काफ़ी स्ट्रेस दिया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, और वो उन्होंने धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता दिया, जल तेज विकास की बदले धीरे धीरे विकास करें उसको इन्होंने प्राथमिकता दिया। इसको कंजर्वेटिज्म का स्पिरिट कहा गया। सो कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड, यानी कंजर्वेटिव्स कौन है, जो चाहते थे
कि जो है तेज विकास ना किया जाए, धीरे धीरे विकास किया जाए. सो दे बिलीव्ड दैट इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, यानी जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है और सोसाइटी में जो स्थापित हुए हैं, जैसे मोनार्ची रूल है, चर्च है, सोशल हायरार्कीज है, समाज में जो ऊँचे लोग हैं, प्रॉपर्टी है, एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, इसको हमें बरकरार रखना चाहिए. मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज. ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो क्या थे, वो डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न ऑफ दिस सोसाइटी, वो ऐसी सोसाइटी की तरफ नहीं मुड़ना चाहते थे, ऐसी सोसाइटी नहीं चाहते थे जो हमारे रेवोल्यूशनरी डेज से पहले की थी, ओल्ड रिजाइम में. सो रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन, जबकि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे, दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्ची. जो हमारा आधुनिकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन है, ये जो है वास्तव में हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर सकता है, जैसे मोनार्ची सिस्टम है. सो इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, ये जो है हमारे स्टेट की पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकती है. एंड अ मॉडर्न आर्मी, एक जो हमारी मॉडर्न आर्मी है, आधुनिक जो हमारी जो सेना है, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, और एक जो एक दक्ष मतलब कार्य करने में निपुण हमारी जो नौकरशाही है, अ डायनेमिक इकोनॉमी, हमारे जो तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, एंड द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, और जो हमारे यहाँ से फ्यूडलिज्म की समाप्ति है, एंड सर्फडम, और जो सर्फडम का जो बहिष्कार था, ये जो है इट कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज ऑफ यूरोप, ये यूरोप में जो हमारी राजशाही के आधार पर जो मोनार्ची सिस्टम है उसको मजबूत कर सकती है. सो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोप, यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया, तो यूरोपियन पावर्स के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव थे, मेन उनके जो थे आगे आने वाले लोग, जैसे ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने एक साथ मिल करके नेपोलियन को हराया था, यानी ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया, ये चार देश थे यूरोपियन पावर्स की जिन्होंने मिल करके नेपोलियन को हराया था. हु हैड और मेट एट वियना, ये वियना में इन्होंने एक मीटिंग की, ये चारों कंट्रीज़ ने, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, और यूरोप में किस तरीके से हम जो है स्थिरता लाएं, लोगों को सही से सेटल करें, उस पर विचार विमर्श किया. द कांग्रेस वॉज हॉस्टेड बाई ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, तो जो वियना कांग्रेस की मीटिंग थी ये किसने हॉस्ट किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक जो थे इनके हॉस्ट थे. इन सारे जो डेलीगेट्स थे, इनके जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 में वियना की जो ट्रीटी हुई, वियना का जो समझौता हुआ, उसको इन्होंने स्थापित किया, एंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स. और इस ट्रीटी में उन्होंने, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि उन सारे चेंजेस को ख़त्म करना जो यूरोप में नेपोलियन ने किया था, नेपोलियनिक वार्स के समय जो है यूरोप में जो चेंजेस स्थापित हुए थे, उसे ट्रीटी ऑफ वियना में जो है हटा दिया गया, ये उसका मेन एम था. द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ की जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय. वाज रिस्टोर टू पावर, उसे फिर से स्थापित कर दिया गया. एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और नेपोलियन के अंडर में जो है फ्रांस ने जो टेरिटरीज जो है छीनी थी वो उससे हाथ धो बैठा, वो फिर से आज़ाद हो गए सब क्षेत्र. सो अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस,
टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस की बाउंड्रीज पे, फ्रांस की सीमाओं पर क्या हुए, बहुत सारे जो है स्टेट्स वहाँ सेटअप कर दिए गए ताकि फ्रांस अपनी सीमा को भविष्य में ना बढ़ा सके। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, इस तरह से नीदरलैंड का जो साम्राज्य था विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जिसमें बेल्जियम आता है, वाज सेटअप इन द नॉर्थ एंड, वो नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया फ्रांस के। एंड जिनेवा वाज एडेड टू पिडमेंट इन द साउथ, और जो जिनेवा था उसको पिडमेंट में जोड़ दिया गया साउथ डायरेक्शन में। प्रसिया वाज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, प्रसिया को जो वेस्टर्न क्षेत्र का जो मोर्चा था वहाँ का टेरिटरी दे दिया गया, इम्पॉर्टेंट टेरिटरी। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का साम्राज्य दे दिया गया, उस पर कंट्रोल करने का हक दे दिया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाई नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, लेकिन जो नेपोलियन ने 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन स्थापित किए थे, 39 राज्य जो स्थापित किए थे उसको उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया, छोड़ दिया। इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, और ईस्ट में रसिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, जबकि प्रसिया वाज गिवेन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, प्रसिया को जो है सैक्सोनी का हिस्सा दे दिया गया। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon. उनका जो main इरादा था वो क्या था, monarchy को फिर से स्थापित करना जो कि Napoleon के समय में ख़त्म कर दिया गया था। And create a new conservative order in Europe, और यूरोप में पूरी तरीके से conservatism को लागू करना था। So conservative regime set up in 1815 इन वर ऑटोक्रेटिक, जो कंजर्वेटिव साम्राज्य था जो कि 1815 में स्थापित हुआ वो पूरी तरह से राजशाही पर आधारित था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन्ड द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और वो बिल्कुल इस बात को सहन नहीं कर सकते थे अगर कोई उनकी आलोचना करता था या उनकी बुराई बताता था। And sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government, और जो व्यक्ति वहाँ की जो है राजशाही जो है सरकारें थी उसकी वैधता पे, उसकी लीगैलिटी पे जो क्वेश्चन उठाता था, ऐसी एक्टिविटीज़ का दमन कर दिया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया जाता था। इसलिए मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, और ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पे सेंसरशिप लॉ को फिर से लागू कर दिया, और ताकि जो है वहाँ के न्यूज़पेपर्स पे उनका कंट्रोल हो सके। बुक्स पे जो है क्या कहते हैं लग गया, प्लेज एंड सॉन्ग्स पे सेंसरशिप लग गया। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, और उन्होंने जिन पर ऐसे सॉन्ग्स जिनकी वजह से जो है आज़ादी के जो विचारधारा जो है पैदा होती थी उन सब पे जो है कंजर्वेटिव लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। सो नाउ वी विल डिस्कस द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। उनमें इस पोर्शन में बताया गया ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, जब 1815 का ईयर चल रहा था, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, तो इनके अंदर एक डर स्थापित हो गया कि अब नेशनलिस्टिक फीलिंग ख़त्म हो जाएगी कंजर्वेटिव्स की वजह से। इसलिए जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो आज़ादी की विचारधारा रखने वाले, जो राष्ट्रीयता की भावना रखने वाले लोग थे, वो अंडरग्राउंड हो गए, वो लोग छुप गए। सीक्रेट सोसाइटीज़ स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़, जगह जगह पे सीक्रेट सोसाइटीज़ वो जो है क्या कहते हैं स्थापित हो गई यूरोपियन स्टेट्स में, और रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेनिंग देने लगे और अपनी आइडिया को बढ़ाने लगे, फैलाने लगे। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चियल फॉर्म्स दैट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस, तो रेवोल्यूशनरी होना मतलब क्रांतिकारी बनने का मतलब क्या था कि
इस समय जो है क्रांतिकारी बनने का मतलब क्या था कि जो है कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चियल फॉर्म्स, उस समय हमें इस बात की शपथ लेनी है, इस बात का जो है संकल्प लेना था कि हम जो मोनार्चियल फॉर्म यहाँ इस्टेब्लिश हो गया है वियना ट्रीटी के बाद कंजर्वेटिव्स की वजह से, उसमें जो है हमें उसका अपोज करना। कांग्रेस एंड द फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और आज़ादी के लिए और जो है स्वतंत्रता के लिए उन्हें युद्ध करना। सो मोस्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ज़्यादातर जो क्रांतिकारी थे दे ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स, इन्होंने भी नेशन स्टेट के क्रिएशन को देखा और उन्होंने देखा कि एक बहुत ज़रूरी हिस्सा था नेशन स्टेट बनाने के लिए, और स्ट्रगल करना फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना ये उसका एक हिस्सा था इन रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ का। सो वन सच इंडिविजुअल वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी गुशिप मज़िनी। इस प्रकार से एक व्यक्ति था जो इटली का एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था गुशिप मज़िनी। ये जिनेवा में 1817 में पैदा हुआ। ही बिकेम अ मेम्बर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। वो कार्बोनरी में एक सीक्रेट सोसाइटी स्थापित हुई थी जिसका मेम्बर बना। एज अ यंग मैन ऑफ 24, 24 वर्ष की अवस्था में एक नवयुवक के रूप में ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, उसे विदेश देश से निकाल दिया गया, और 1831 में वो भी फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगूरिया, क्योंकि वो लिगूरिया में वो रेवोल्यूशन इस्टेब्लिश करने जा रहा था, क्रांति स्थापित करने जा रहा था। सो ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, और उसके जस्ट बाद उसने एक के बाद एक करके दो उसने अंडरग्राउंड सोसाइटी स्थापित की। पहला था यंग इटली इन मार्साइल्स, मार्साइल्स एक जगह है, उसका नाम था यंग इटली, उसके जो है सोसाइटी का नाम था। एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, और बर्न एक जगह है यूरोप में, वहाँ पे यंग यूरोप के नाम से उसने अपना सीक्रेट सोसाइटी इस्टेब्लिश किया, हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी स्टेट्स। और इसके मेंबर कौन थे? एक जैसी विचारधारा के लोग, एक जैसे दिमाग के लोग, ऐसे यंग मैन जो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के रहने वाले थे। मज़िनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मज़िनी इस बात पे विश्वास करता था कि ईश्वर, ये ईश्वर का जो है इरादा, ईश्वर चाहता है कि जो है मतलब ये ईश्वर के चाहने के अनुसार ही हम लोग नेशन स्टेट बना रहे हैं। ये ईश्वर चाहते हैं कि हमारा एक नेशन स्टेट हो जो कि एक नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, ये प्राकृतिक रूप से इंसानियत के लिए है नेशंस। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। इसलिए इटली को जो है स्मॉल स्टेट्स या किंगडम के रूप में जो है नहीं रहना चाहिए। इट हैड टू बी फोर्ज इंटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। उसका कहना था कि जो इटली है वो जो है इस तरीके से नहीं रह सकता है एक किंगडम के रूप में छोटे से, उसे क्या करना चाहिए। इट हैड टू बी, इटली के मतलब जो छोटे छोटे स्टेट्स थे जो बटे हुए थे, उसने कहा कि इन सब को हमें ज़बरदस्ती एक में मिलाना होगा, ठोक पीट करके, लड़ाई करके, तभी एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनेगा और इस तरीके से एक वाइडर अलायंस ऑफ नेशन बनेगा जिसमें एक संधि होगी, एक जो है सब में एक दूसरे से छोटे छोटे नेशन जो आपस में लड़ते हैं मिलजुल कर रहेंगे। दिस यूनिफिकेशन एलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और ये जो इटली का यूनिफिकेशन होगा यही हमारे इटालियन लिबर्टी का आधार होगा, इटली में जो स्वतंत्रता है इसी आधार पर आएगी। सो फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी। तो उसके मॉडल किस को जो है अनुसरण करते हुए इटली में सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज बनी, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, स्विट्जरलैंड में भी, पोलैंड में भी। इस तरीके से मज़िनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्ची एंड हिज विज़न ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। अब जो मज़िनी का जो है एक जो है पूरी तरीके से तेज तर्रार जो उसका जो विरोध था मोनार्ची का,
और उसका जो विज़न था, उसका जो एक आगे का जो सोच था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स के रूप में, इसकी वजह से कंजर्वेटिव लोग घबरा गए। मटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मटरनिक ने यहाँ तक कह डाला कि मज़नी जो है वो हमारे सामाजिक व्यवस्था का जो है सबसे ख़तरनाक दुश्मन है।